आज की बैठक का उद्देश्य है कि बिहार पंचायत नगरपालन शिक्षक संघ एक बड़ा संगठन है। इस संगठन के तहत उच्च न्यायालय में भी 4 लाख नियोजित शिक्षकों की जीत हुई, जिसका देन है कि बेहतर मान हुआ है। और यह सरकार जिस रूप में काम करना चाह रही है नियोजित शिक्षक के साथ, कि हम द्वितीय मामला में पीछे हैं और मामला में आगे हैं, तो सरकार यदि सुप्रीम कोर्ट गई है वित्तीय मामला के लिए और जो वो आंकड़ा पेश किए हैं वो आंकड़ा उसका बिल्कुल गलत है, जो हमारे वकील द्वारा वो आंकड़ा पेश किया गया वह बिल्कुल सत्य है। इसीलिए 29 तारीख को जो सुनवाई हुई थी उस सुनवाई में इनको आंकड़ा पेश करने का समय दिया है 15 तारीख के अंदर में। ये आंकड़ा पेश भी कर दिए होंगे, नहीं किया तो 15 तारीख को हम लोग को पता चलेगा कि ये कितना आंकड़ा पेश किए हैं। और पूरा विश्वास है हम लोग कि हम अपने आंकड़ा में सफल होंगे और सरकार का जो रूप है वह रूप एक बार पुनः उजागर होगा बिहार के धरती पर, कि नियोजित शिक्षक के साथ सिर्फ और सिर्फ यह वादा खिलाफी कर रही थी, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। हमारा जो मांग है वह जायज है, यदि उच्च न्यायालय ने यह मांग को जायज माना है तो पूरा विश्वास है उच्चतम न्यायालय भी इस बात को जायज मानेगी और उच्च न्यायालय का जो सम्मान करेगी उच्चतम न्यायालय, बिहार के 4 लाख में शिक्षक उच्चतम न्यायालय का सम्मान करेगी।